मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में तैनात इजरायली सफीर मुस्ताफी सफीर का कहना है कि नई हुकूमत की पॉलिसियों के तहत फराइज़ मनसबी सर अंजाम नहीं दे सकूंगा। इजरायल की वजीर खारजा ने हॉफमैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जनूबी ऑन्टेरियो में इस हफ्ते में मौसम सरमा के एक बड़े तूफान की पेशगोई। जनूबी ऑन्टेरियो में 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। शहरियों का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कनाडा अपनी सरजमीन से तिजारती खलाई परवाजें लॉन्च करेगा। कैनेडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना था कि उन्हें यकीन है कि अगले 3 सालों में पहली लॉन्च होगी। कनाडा खलाई मिशन लॉन्च करने के लिए एक पुरकशिश जगह है। अमेरिका में चीन के नए साल की डांस पार्टी पर फायरिंग, 10 अफराद हलाक। वाकये में फरार होने वाला मतलूब शख्स हलाक। अमरीकी सदर की तमाम सरकारी इमारतों पर अमरीकी परचम सरंगू करने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनिएंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा में इसराइल के सफीर का कहना है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में नई इसराइली हुकूमत के साथ सियासी इख्तलाफात की वजह से कनाडा में अपना ओहदा छोड़ने का इरादा रखते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में इसराइल के सफीर का कहना है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में नई इसराइली हुकूमत के साथ सियासी इख्तलाफात की वजह से कनाडा में अपना ओहदा छोड़ने का इरादा रखते हैं। इसराइल के कनाडा के लिए सफीर रॉनन हॉफमैन ने गुज़िश्ता साल के आखिर में इक्तदार संभालने वाले वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमती पॉलिसियों को वजह दिखाकर ओहदा सफारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। हॉफमैन ने लिखा, नई हुकूमत में मुंतकली और इसराइल में मुख्तलिफ पॉलिसियों के साथ मेरी ज़ाती और पेशावराना सालमियत ने मुझे अपने ओहदे को मुख्तसर करने और इस मौसम गर्मा में इसराइल वापस आने की दरख्वास्त करने पर मजबूर किया है। हॉफमैन ने इस्तीफा दरख्वास्त में कहा कि मैं नई हुकूमत की पॉलिसियों के तहत फराइज़ मनसबी सर अंजाम नहीं दे सकूंगा। इसराइल की वजीर खारजा एली कोहन ने हॉफमैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हॉफमैन को इसराइल के साबिक वजीर आजम यार लॉपिट के दौर में सफीर मुतय्यन किया गया था। हॉफमैन से कबल इसराइल के पेरिस के सफीर यार ग्रेमैन ने भी नेतन्याहू के असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद 29 दिसंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू के इंतहाई दीनदार यहूदियों और इंतहाई मुतासिब पार्टियों के साथ मिलकर कायम करदा नई हुकूमत ने 2022 के अवाखिर में इक्तदार संभाल लिया था। फलस्तीनियों के खिलाफ इम्तियाजियत और नस्लियत परस्ताना पॉलिसियों की वजह से मशहूर नई इत्तेहादी हुकूमत को इसराइल की तारीख की मुतासिब तरीन हुकूमत करार दिया जा रहा है। हॉफमैन का ये ऐलान एक और अहम सिफारती ओहदे से मुस्ताफी होने के चंद हफ्तों बाद सामने आया है। फ्रांस में इसराइल के नुमाइंदे यार जर्मन ने भी दिसंबर के आखिर में इस्तीफा दे दिया, ये नोट करते हुए कि नई हुकूमत में इंतहाई ख्यालात रखने वाले अराकीन शामिल हैं और नेतन्याहू ऐसी पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनके नतीजे में नाकाबिल कबूल कानून साजी होगी। जनूबी ऑन्टेरियो में इस हफ्ते में मौसम सरमा के एक बड़े तूफान की पेशगोई की गई है, जिसमें तेजी से जमा होने वाली बर्फ की वजह से सफर मुश्किल होने की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी ऑन्टेरियो में इस हफ्ते में मौसम सरमा के एक बड़े तूफान की पेशगोई की गई है, जिसमें तेजी से जमा होने वाली बर्फ की वजह से सफर मुश्किल होने की तवक्को है। टेक्सास का कम दर्जा हरारत टोरंटो और जीटीए में बुध के आखिर और जुमेरात तक बर्फ ला रहा है और 10 से 20 सेंटीमीटर के दरमियान
बर्फबारी का इम्कान है। ज्यादातर जनूबी ओंटेरियो के इलाके मौसम के एक खास बयान के तहत है, इससे पहले के एनवायरमेंट कनाडा वस्त हफ्ते तक अहम बर्फबारी कहता है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक एक कम दबाव का निज़ाम है जो ऐसा लगता है कि यह टेक्सास से तशकील पाएगा और पूरे हफ्ते ओंटेरियो की तरफ जाएगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बुध से जुमेरात तक हमारे पास एक जबरदस्त तूफानी निज़ाम है जो अजीम झीलों की तरफ बढ़ रहा है। कम दबाव के इस इलाके में बहुत ज्यादा नमी फट जाएगी। एक दिन में होने वाली बर्फबारी की तादाद इस मौसम सरमा में अब तक की कई कम्युनिटी से ज्यादा होगी। ये मंगल को खलीज मेक्सिको से नमी उठाएगा और अभी ऐसा लगता है कि ये बुध की सुबह विंडसर के आसपास के इलाकों को मुतासिर करेगा, दोपहर के अवाइल में जीटीए में दाखिल होगा और शाम के सफर को मुतासिर करेगा। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि तेजी से जमा होने वाली बर्फ भारी बर्फ में कम हद निगाह के साथ सफर को मुश्किल बना देगी। कैनेडियन हुकाम को उम्मीद है कि वो मुल्क के वसी जोग्राफियाई और खलाई महारत से फ़ायदा उठाकर उन कंपनियों को राग़िब करेंगे जो कैनेडा की सरजमीन से तिजारती खलाई परवाजें शुरू करना चाहती हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकाम को उम्मीद है कि वो मुल्क के वसी जोग्राफिया और खलाई महारत से फ़ायदा उठाकर उन कंपनियों को राग़िब करेंगे जो कैनेडा की सरजमीन से तिजारती खलाई परवाजें शुरू करना चाहती हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल गाबरा ने ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत अगले 3 सालों में कैनेडा से तिजारती सैटेलाइट खलाई लॉन्चों की इजाज़त देने के लिए ज़रूरी रेगुलेटरी तकाजों, हिफाजती मयारात और लाइसेंसिंग शराइत तैयार करेगी। उन्होंने मॉन्ट्रियल के जनूब में लॉन्गविल में कैनेडा की खलाई एजेंसी के हेडक्वार्टर में कहा कि कई सालों से कैनेडा की जानिब से मस्नूई सैयारा दूसरे ममालिक की साइट से लॉन्च किए गए हैं, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें यहीं घर पर लॉन्च करना शुरू करें। अल गाबरा ने कहा कि मुल्क हर मामले की बुनियाद पर अबूरी मुद्दत में लॉन्चों की मंजूरी देने के लिए भी तैयार है और उन्होंने निजी कंपनियों को मंसूबों के साथ आगे आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि आज का ऐलान उन लोगों को मधु करने के लिए एक मजबूत इशारा है जो दिलचस्पी रखते हैं और कैनेडा की तरक्की से फायदा उठाएं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि अगले 3 सालों में पहली लॉन्च होगी। मॉन्ट्रियल के इलाके के रुकन पार्लियामेंट और साबिक खलावाज मार्क गार्नियो ने कहा कि जब लॉन्च करने वाले मुकामात की बात की जाए तो कनाडा के बहुत से जोग्राफियाई फवायद हैं जिनमें एक वसी कम आबादी वाला इलाका और ज्यादा झुकाव वाले मदार शामिल हैं जिनकी जमीन के मुशाहदे की बहुत ज्यादा मांग है। उन्होंने कहा कि जबकि कनाडा ने पहली जेली रॉकेट लॉन्च किए हैं जो खला में जाते हैं और वापस नीचे गिरते हैं, उसने अभी तक मदारी खलाई परवास नहीं की है। अल गाबरा ने कहा कि मुतादित कंपनियों ने कनाडा से लॉन्च करने में दिलचस्पी जाहिर की है। जुमे के रोज तिजारती खलाई परवास के ऐलान से मुराद इंसान बरदार मुसाफिर परवाजों के बजाय सैटेलाइट लॉन्च करना है, लेकिन कनाडा के खलाबाज डेविड सेंट जैक्स जो इस ऐलान पर थे ने कहा कि ये सवाल से बाहर नहीं है कि एक दिन खलाबाजों को कनाडा से खला में भेजा जा सकता है एक बार जब मुल्क की सलाहियत बढ़ जाएगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के मॉनिटरी पार्क में फायरिंग से 10 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के बाद फरार होने वाला मतलूब शख्स हलाक हो गया। लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक मॉनिटरी पार्क नामी इलाके में मतलूब मुलजिम की वैन के करीब पहुंचे तो फायरिंग की आवाज़ आई। मतलूब शख्स वैन के अंदर मुर्दा पाया गया जिसकी शनाख्त 72 साल हॉकैन तरान के नाम से हुई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के मॉनिटरी पार्क में फायरिंग से 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम 26 जनवरी तक सरंग करने की हिदायत कर रखी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया मॉनिटरी पार्क में पेश आया जहां चीन के नए कमरी साल के आगाज की मुनासबत से तकरीब जारी थी जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन भी शरीक थे। मुसल्ला शख्स ने पार्क में दाखिल होकर डांस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम फरार हो गया जिसके ताकों में पुलिस टीम रवाना कर दी गई। रेस्क्यू इदारे ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जहां 10 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई जबकि दर्जन से जायद जख्मी हैं। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तहाल पुलिस कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम रही जबकि कत्ल के मुहरिक का भी तायुन न किया जा सका। फायरिंग के वाक़े के बाद चीन के नए कमरी साल की तकरीबात मनसूख कर दी गई। ख्याल रहे कि चीनी कैलेंडर का आगाज 21 दिसंबर के बाद उस दिन से शुरू होता है जब दूसरा नया चांद तुलू होता है और ये अमूमी तौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान आता है। चीन के आवाम इस दिन को जश्न बहार के नाम से पुकारती है और दुनिया भर में आबाद चीनी ये दिन मनाते हैं। नित नए पकवान, मलबूसात, मौसीकी, रक्स और रिश्तेदारों से मुलाकातें इस दिन का खासा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फायरिंग के वाकये की मज़म्मत करते हुए तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम 26 जनवरी तक सरंगू करने की हिदायत कर रखी है।
टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।